लैब टेस्टिंग का भी इंतजाम मौजूद है, अगर आपको अपना कोई एलर्जी ने टेस्ट कराया था फिर से मशीन मौजूद है और जेम्स आइडेंटिफाई हो सकता है इसके अंदर और पता चल जाएगा आपका फेल हो रही है। ये देखें लाइट जल रही है इसकी और इसी लेबॉरेटरी टेस्ट हो जाएगा क्या है ये नगीना असली है कि दो नंबर है। ये दिन भर लोग आते हैं चेक कराने के लिए तो ये हम सब चेक करते रहते हैं। लेकिन सिल्वर बता दें सिल्वर भी बची आप अगर ये रूबी होगा तो ये RUBY रूबी लिखा उस पर पहुँच जाएगा। ये इसमें ने रखा जनाब गिलास, ये जनाब गिलास फिलिंग है गिलास। अच्छा देखें गिलास तक के बजाय इससे आगे सुई बढ़ नहीं रही है, अगर रूबी होता तो ये रूबी तक पहुँचता। तो ये जनाब गिलास है आपका शीशा है ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं अब इसी तरह का आपको लाले बदशा चाहिएगा कोई मतलब भाग्य नहीं है कुछ भी नहीं बेकार है अब इसको फिर विंडो डस्टबिन कर लिए शौक के तौर पर पहन दे रहे। अच्छा एक टेस्ट आ दिया दूसरा टेस्टिंग में मशीन ने कह के ये दिया था कि ये टेस्ट देखो बनाया ना आप कह ना लेबोरेटरी टेस्ट होगा के ना मैंने उनको भी पैसे ऐसे तो नहीं दिए थे आप वापस आप वापस कर दे। दूसरा टेस्ट जो है वो ये है तो इसका आप आइडिया से नहीं बता सकते ये छोटा सा वो चले मैं बता दूंगा ये का बता दे बस इसके अलावा दूसरी माइक्रोस्कोप जो है वो अलग मौजूद है वो जेम कॉर्पोरेशन के अंदर तो वहाँ हमारे बैठे हुए सर्टिफिकेट बन जाता है 1000-1200 रुपये का वो मशीन जो तकरीबन 12 लाख रुपये करीब आती है और उसके लिए जेमोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। जब ये बैंकों कोलालंपुर के अंदर और दूसरे माले में ये कम से कम 3 जेमोलॉजिस्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ जी ओके की रिपोर्ट देते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया ये इत्तेफाक में कस्टमर भी आए हुए थे उनको मैं टेस्ट करा रहा था तो ये उन्होंने कहा भाई चलें इसको भी बना के आप लोगों को अवेयरनेस दी कि हमारे यहाँ जेम्स टेस्टिंग भी की जाती है हर किस्म की तमाम नगीनों को टेस्ट किया जाता है।